जय हिंद एंड वेलकम टू सी डब्ल्यू अकेडमी। इफ यू आर अफ्रेड डोंट डू इट, इफ यू आर डूइंग इट डोंट बी अफ्रेड। ये चंगेज खान ने एक बार ये बात कही थी, और जो सीडीएस 2 का प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बात बिल्कुल करेक्ट बैठती है कि अब जब आप पेपर देने ही जा रहे हो तो उससे डरने की कोई बात नहीं रह गई है। अब उसे हेड ऑन जाके उससे लड़िए, हेड ऑन जाके उस पेपर को सॉल्व करिए और अपना मैक्सिमम आउटपुट लाइए। उसी के लिए आज मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि लास्ट 10 डेज की आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। जिन्होंने थोड़ा बहुत भी कुछ पढ़ाई की है उनके लिए भी ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने जा रहा है। इसमें मैं आपको 5 स्टेप्स बताऊंगा जो आपको लास्ट 10 डेज के लिए फॉलो करने हैं टू स्कोर बेटर इन द एग्जामिनेशन। तो चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। पहला स्टेप है प्रीवियस ईयर। ये आपको प्रिपरेशन की स्टार्टिंग में ही पढ़ने को मैं हमेशा बोलता हूँ, बट अभी भी टाइम है। प्रीवियस ईयर एटलीस्ट 3 से 5 साल तक के आपको सॉल्व करने हैं। जी हाँ, सॉल्व करने हैं, और ये आपके इंग्लिश एंड मैथ्स के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा आप कहाँ से प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस टेस्ट नहीं है, तो इंग्लिश और मैथ्स के प्रीवियस ईयर को सॉल्व करें। इवन जीएस के प्रीवियस ईयर को आप बिल्कुल सॉल्व करिए, देखिए उसमें से कैसे सवाल आ रहे हैं, क्या आ रहा है, ये काफी हेल्पफुल होगा। पहला टास्क आपका होता है 3 से 5 साल के प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना। सेकंड स्टेप आपका आता है जितना हो सके एमसीक्यूज एंड मॉक टेस्ट दीजिए। ये आपको ऑनलाइन कई सारी बुक्स भी मिल जाएंगी, आपके पास खुद की कोई बुक है उसको भी करिए। मैं एक बुक का नाम नहीं लूंगा बट उसमें काफी सारी गलतियां हैं, तो बुक जरूर देख के करिएगा कि रिलायबल बुक से करिए, रिलायबल सोर्सेज से करिए। आप कहीं पे जाके मॉक टेस्ट खरीद भी सकते हैं, हमारे ऐप पे भी मॉक टेस्ट अवेलेबल है। 399 में हमारे यहाँ पूरे अराउंड 124 टेस्ट अवेलेबल हैं, सारे स्टैटिक पार्ट के। आप यहाँ से भी देख सकते हैं या अपने से भी कर सकते हैं। मेन मोटो होता है जितना हो सके उतने मॉक टेस्ट सॉल्व करें, उससे आपका हाथ बैठेगा और आपको पता चलेगा कि आप गलतियां कहाँ कर रहे हैं, वो गलतियां आप रिपीट नहीं करेंगे एटलीस्ट, तो उस पर ध्यान दीजिए। अब जो बात आती है कि भाई पढ़ेंगे क्या, तो आपने जो कंसेप्ट होने थे जो ज्योग्राफी कंसेप्ट, पॉलिटी कंसेप्ट, वो आप पढ़ चुके हैं। अब टाइम नहीं रहा है कंसेप्ट पढ़ने का, अब समय आ चुका है फैक्ट्स पढ़ने का। अब फैक्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि आप पॉलिटी में देख लीजिए आर्टिकल्स क्या क्या हैं, शेड्यूल कौन कौन से हैं, कौन शेड्यूल किसके लिए लगता है। ज्योग्राफी में आप देख लीजिए, इंडियन ज्योग्राफी में रिवर्स देख लीजिए, रिवर्स का ओरिजिन देख लीजिए कहाँ है, जो इम्पोर्टेंट रिवर्स रही है उसके ओरिजिन। हिस्ट्री में टाइमलाइन देख लीजिए, टाइमलाइन क्या रही है, कौन सा सत्याग्रह पहले था, कौन सा मॉर्लिमेंटल रिफॉर्म्स पहले आए थे, क्लिंटफोर्ड रिफॉर्म्स पहले आए थे, ये आप देख लीजिए। ये सारे आपको पता होना चाहिए कि टाइमलाइन एक बहुत रटने वाली चीज है, ये लास्ट मोमेंट में पढ़ेंगे तो रिटेन आपको जरूर रहेगा। ऐसी चीजें आप बना लीजिए। इसका जो सोर्स है, अगर आपका कोई सोर्स नहीं है तो आप लूसेंट से बिल्कुल पढ़ सकते हैं, उसमें सब कुछ फैक्ट ही दिया है, उसमें कोई कंसेप्ट कुछ खास है नहीं, बिल्कुल फैक्ट पढ़ सकते हैं, यहाँ से जरूर इसको रेफर करिएगा। फोर्थ पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट आता है करंट अफेयर्स। अब देखिए करंट अफेयर्स का कोई भी सोर्स उठा लीजिए, मेन पॉइंट है करंट अफेयर्स को पढ़ना और रिवीजन उसका करना। आपने नहीं पढ़ा है तो अभी 10 दिन बचे हुए हैं, इसको पढ़ने में हार्डली 2 से 4 दिन आपको लगेंगे कंप्लीट। पर करंट अफेयर्स पढ़िए, 15 से 30 तक सवाल आते हैं इसमें से। इसका सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, देखिए आप हमारा भी करंट अफेयर्स देख सकते हैं, हमने जून मंथ से जून जुलाई अगस्त का बनाया हुआ है, अभी सितंबर का करंट अफेयर्स आ रहा है। या कोई भी और ऑनलाइन सोर्स जो आपको ठीक लगे, आईएएस के जो ऑनलाइन सोर्स हैं वो काफी रिलायबल होते हैं, थोड़े लेंदी होते हैं बट वो काफी रिलायबल होते हैं। और उसका एक और पॉइंट ये होता है, अच्छी बात, आपका स्टैटिक रिवाइज करवा देते हैं, उसे जरूर रेफर करिए। या कोई भी आपका और कोई डिफेंस का चैनल है उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कम से कम 8 से 10 महीने के करंट अफेयर्स आपको क्लियरली आने चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। और लास्ट टिप ये है, आपने अभी तक जो भी पढ़ा है, एनीथिंग दैट यू हैव रेड, एनीथिंग यू हैव नोटेड डाउन एनीवेयर, जस्ट कीप रिवाइजिंग। रिवीजन 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 इज द की सोर्स ऑफ क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन। अगर आपने उसको छोड़ दिया है और आपको याद नहीं आएगा तो पेपर में आप बहुत माइनर दिक्कतें, बहुत माइनर इजी क्वेश्चन जो है उसको भी गलत कराएंगे, उस ऑप्शन को गलत कराएंगे। तो रिवाइज करते रहिए, कोई नई बुक, न्यू बुक्स को कोई अभी खरीदने का टाइम नहीं है, उसे मत खरीदिए। जो आपके पास पहले से पढ़े हुए सोर्सेस उसको रेफर करिए, उसके पीडीएफ बनाइए और खुद के नोट्स से पढ़िए। ऑनलाइन नोट्स फॉर सीडीएस एग्जामिनेशन ऐसा करके चीज से सीडीएस अब क्लियर नहीं होता। सीडीएस इज अ वेरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम,
अराउंड 6 से 8 लाख के आसपास बच्चे देते हैं एंड ओनली 8,000 क्लियर इट. सो आप देख सकते हैं कि ये नोट्स आपके खुद के होने चाहिए. डू रेफर टू गुड मटेरियल दैट यू ऑलरेडी हैव. यही छोटी छोटी टिप्स हैं जिससे आप अच्छे खासे नंबर बढ़ा सकते हैं अपने और चांसेस इंक्रीज कर सकते हैं एसएसबी कॉल की. तो ऑल द बेस्ट अपने एग्जामिनेशन के लिए. आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, ऐसे और वीडियोस में दे रहा हूँ. हिस्ट्री का मैं एक छोटा रिविजन सीरीज निकाला हूँ, उसे भी जरूर देखिएगा, हो सकता है वो आपकी मदद आ जाए, उसमें से कुछ सवाल आ जाए. थैंक यू एंड जय हिंद.